प्यार से बुलाया शिवम लौट आया। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रवचन की। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर शक्तिमान और थॉर में फाइट हो तो आखिर जीतेगा कौन? आपको क्या लगता है कि क्या हमारा शक्तिमान जीतेगा या हमारा बिजली का देवता जीतेगा? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में बिना किसी प्रवचन के। तो जैसा कि मार्वल में हमें थॉर को दिखाया गया कि वो एक आम आदमी से लड़ सकता है, आम आदमी उसके ऊपर कई बार चढ़ जाते हैं, मतलब हावी होने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन थॉर कुछ ना कुछ करके अपने हथौड़े की मदद से बच जाता है। और वहीं पर हमारे शक्तिमान के पास तो सारी शक्तियाँ, कुदरत की शक्ति, धरती की शक्ति, यहाँ तक कि अंतरिक्ष की भी शक्ति, समझ लो एकदम शक्तिशाली है अपना शक्तिमान। तो अगर शक्तिमान और हल्क में शक्तिमान और थॉर में मुकाबला होगा तो जीतेगा कौन? क्या हमारा बिजली का देवता जीतेगा या हमारा शक्तिमान जीतेगा? तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी कि अपना शक्तिमान जीत जाएगा। कैसे? क्योंकि थॉर के पास पावर क्या है? बिजली की, और बिजली की ताकत शक्तिमान के पास भी है, समझ रहे हो ना, पंच तत्वों की शक्ति और साथ में। तो शक्तिमान जीत सकता है थॉर से, क्योंकि बिजली की ताकत, बिजली को थॉर भी कंट्रोल करता है और शक्तिमान भी कंट्रोल करता है, और साथ में बिजली के हमले भी कर सकता है थॉर, और शक्तिमान भी बिजली के हमले कर सकता है। तो मुकाबला समझ लो कुछ ड्रॉ टाइप का हो जाएगा, लेकिन शक्तिमान थॉर को मारेगा नहीं, क्योंकि जान तो उसे लेनी नहीं, वरना अभी तक तिलविश थोड़ी ना अंधेरा कायम करता घूमता। तो इसीलिए थॉर बच जाएगा और शक्तिमान जीत जाएगा। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि थॉर को अगर बाकी एवेंजर्स की मदद मिले तो वो एक बार ट्राई कर सकता है जीतने की, लेकिन फिर भी उससे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा शक्ति है, जैसे थैनोस के लिए सबको एक होना पड़ा था, वैसे ही शक्तिमान के लिए भी एक होने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको ये वीडियो काम की लगी और आपको लगा कि इस वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। भाई मेरा जो अपना ओपिनियन है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सोचा है, थ्योरी समझी है, उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। और हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।